अगर आपने अपने फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी देर में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस तरह के हार्ड कॉपी डेटा को, ये जो मैंने प्रिंटेड डेटा है, जो प्रिंटेड डेटा टेबल है, उसको इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक एप्लीकेशन का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जिससे आप किसी भी फोटो को, यानी कि इस तरह का अगर आप फोटो लेते हैं किसी भी हार्ड कॉपी का, तो उसे आप एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं एक्सेल शीट में हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पे, जो राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर पे जो बटन नज़र आ रहा है उस पर आपको दबाना है। और जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे तो एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे, और यहाँ पे आपकी ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको किसी भी सेल में क्लिक करके और नीचे वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर किसी भी सेल में क्लिक किया है और नीचे यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, एक छोटा सा आइकन जिसमें कैमरा बना हुआ है। इस कैमरे वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कैमरे वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, इस कैमरे के अंदर जो आपके सामने प्रिंट किया हुआ टेबल, जो मैंने हार्ड कॉपी रखी है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो रेड कॉर्नर है, इसका मतलब ये है कि एक्सेल भी ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि मैं इस डेटा को रीड कर सकता हूँ, ये एक डेटा टेबल है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप चाहे तो यहाँ से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन से फ़ोटो को क्लिक करें, और फोटो को क्लिक करने के बाद आप उसे इंसर्ट करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले से इस फोटो को क्लिक करके रखना होगा अपने फ़ोन में, उसके बाद आपको गैलरी वाले बटन को दबाना है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, जो साइड में जो गैलरी वाला बटन आ रहा है, जो फोटोज़ वाला, उसको आपको क्लिक करना है। तो मैंने पहले से ही इसके फोटोग्राफ्स कुछ लिए हुए हैं, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं। तो मैं एक फ़ोटोग्राफ को क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस फोटोग्राफ को ओपन करता हूँ, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये फ़ोटोग्राफ जो है वो उल्टा आया, तो मैं यहाँ ऊपर इसे रोटेट कर देता हूँ और इसे सीधा कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना है डन पे। तो जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा समय लेगा इमेज को डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन के इस फीचर ने इस पूरी की पूरी इमेज को डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो रेड कलर के जो हाईलाइट आ रहे हैं, जो रेड कलर में जो सेल्स हाईलाइट हो रही हैं, वो सेल्स और वो डेटा है जिसे एक्सेल को रीड करने में थोड़ी मुश्किल हुई है, या फिर एक्सेल ने उसे 100% एक्यूरेसी से रीड नहीं किया है। तो आप इसे वन बाय वन करके, इसे एडिट करके रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप सीधे क्लिक कर दीजिएगा इंसर्ट पे, जो ऊपर राइट हैंड साइड में बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो पूरी की पूरी डेटा टेबल जो है वो एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब इसे आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसकी अलाइनमेंट और मार्जिन सेट कर देता हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने इसका अलाइनमेंट और मार्जिन सेट कर दिया है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया है। अब आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर यहाँ नीचे से इंसर्ट हो जाता है। आपको ये जो उल्टा एरो आ रहा है इस पर क्लिक करना है, और नीचे बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, आपको इस पर टच करना है। ये देखिए, पूरा का पूरा बॉर्डर इंसर्ट हो गया है, और ये पूरी की पूरी डेटा टेबल जो है आपकी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसे मर्ज इन सेंटर करके एक ही सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सिटी की जगह CI लिखा है, तो मैं यहाँ पे उसे चेंज कर सकता हूँ, CITY, ठीक है। अब ओके कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा टेबल जो है वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इस वर्कबुक को आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ऊपर जो शेयर बटन है उस पर, और जैसे आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, आप इस वर्कबुक को एज ए लिंक भी भेज सकते हैं, एज ए वर्कबुक भी भेज सकते हैं। तो एज ए वर्कबुक भेजने के लिए आपको वर्कबुक पे क्लिक करना है, और आपके सामने जितनी भी शेयरिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीमेल के थ्रू भेजना है आपको, ब्लूटूथ के थ्रू भेजना है, या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिसके थ्रू भेजना है, आप उसे भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।